सभी इकट्ठे हुए हैं। 5 घंटे से जो अत्याचार हो रहा है मार्केट में, बहुत गलत बात है। प्रधान जी को कुछ मिला है डुप्लीकेट सामान? कोई कुछ नहीं मिला। अगर कोई डुप्लीकेट सामान होता तो ये जो टीम लेकर आ रहे हैं, जब ये टीम के लोगों को नहीं पता ये सामान डुप्लीकेट है, एक्सपर्ट आएगा तब इसकी जांच होगी। अरे भाई 4 घंटे से तुम 5 घंटे से, अगर 4-5 घंटे से अगर दुकान के अंदर कोई सामान डुप्लीकेट है, 1 मिनट से पहले पहचान लगे। हम दुकानदार आदमी, हमको पता नहीं हमारी दुकान के अंदर क्या डुप्लीकेट डालते हैं, फट पता चल जाता है। 1 मिनट से पहले उसको नंबर क्यों नहीं मिल रहा, वो कहेंगे पैसे कैसे बात करें। ये पैसे बनाने की एक मशीन है और ये किसी न किसी का एक मतलब बड़ा प्रोपगंडा चलाया हुआ है। हर तीसरे दिन मार्केट को दिक्कत हो रही है, मार्केट को फैल करने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है। और अभी तक किसी को इन लोगों ने ब्लैकमेल भी किया है, ऐसा ब्लैकमेल करने की तैयारी हो रही है, जब 5-5 घंटे एक 2-2 3-3 क्या नाम को आइटम उठा रहे हैं, अरे इसको भी हम एक्सपर्ट से जांच कराएंगे। अरे तुम ये बताओ, एक्सपर्ट को अभी तक इस मार्केट के अंदर कितनी बार रेड हो चुकी है? यहाँ तो हर दूसरे तीसरे पांचवें दिन का काम होता है, आते रहते हैं अलग अलग कंपनियों के, कभी रेडीमेड के आ रहे हैं, कभी कॉस्मेटिक आ रहे हैं, ये हाल हुआ है। प्रोडक्शन है वहाँ, लेकिन एक बताऊं मैं, व्यापारी अब जाग चुका है, व्यापारी के अंदर एकता जाग चुकी है। अगर व्यापारी के साथ इसी तरह का व्यवहार किया तो आने वाला समय ठीक नहीं होगा। व्यापारी वर्ग एकजुट है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सांप को मत मारो, सांप की माँ को मारो, इनको सब पता है। इनकी वहाँ फटती है जाते हुए, जहाँ जहाँ सामान अगर गलत बनता है ना तो वहाँ भाई भेज तो दी, वो तो डुप्लीकेट। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे 5 घंटे हो गए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा हमारी कोऑपरेशन नहीं हो सकता। 8 पेशेंट आदमी है, वो बीमार आदमी है, शटर नहीं बंद करते लोग। ओ भाई ये दुकान बंद करो, शटर बंद करो। मान मेरे को नहीं आप।